हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ फैशन व्यू चेतना. एंड आप लोगों ने कुछ टाइम पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि मैं उठ रही हूँ और मेरे वाइट हेयर हो गए और मैं शॉक्ड हो गई हूँ और मिरर में जाती हूँ और देखती हूँ समथिंग कि मेरे सारे हेयर जो है वो ग्रे हो चुके हैं. सो सपोज़ हमारे सारे हेयर वाइट हो जाएँ इन 30 to 40 की एज में. वैसे 40 की एज में तो हो जाते हैं, बट 20 to 30 की एज में तो कैसा लगेगा? सब लोग हमें बूढ़े बोलेंगे और इवन दो हम खुद भी सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं. शक्ल तो बहुत अच्छी होगी लेकिन हेयर जो है हमारे ग्रे हो चुके होंगे. सो एक्चुअली मैं इसका एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ ताकि हमें वो दिन नहीं देखने पड़े जबकि हमारे 20 to 30 की एज में ही हमारे हेयर जो सारे ग्रे हो जाए. तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी प्रॉपर डाइट नहीं होने की वजह से हमारे बहुत जल्दी ग्रे हेयर आ जाते. ग्रे हेयर इन द सेंस कि वाइट हेयर आ जाते. बहुत सारे लोग वाइट वर्ड यूज़ करते हैं बट प्रॉपर वर्ड इज़ ग्रे हेयर. सो ग्रे हेयर आ जाते हैं. सो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन है. एक्चुअली यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ, एक जिंजर का. सो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जिंजर तो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं और अभी कोविड जैसी सिचुएशन में हम जिंजर का यूज़ सबसे ज़्यादा खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो एक्चुअली जिंजर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो हमारे हेयर को ग्रे होने से बचाती है, हमारे हेयर की ग्रोथ को न्यूट्रिशन देती है, कुछ ऐसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जिससे हमारे ग्रे हेयर जो है वो आना कम हो जाते हैं, उनको प्रिवेंट करता है ग्रे हेयर आने से. तो एक्चुअली जिंजर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो खाने के अलावा हमारे हेयर में हमारे हेयर को ग्रे होने से या प्री मेच्योर जो ग्रे हेयर आते हैं उनको प्रिवेंट करता है. सो जिंजर के अंदर होते हैं फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन सी, थायामिन, रिबोफ्लेवाइन, बहुत सारे मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, पोटेशियम एंड कॉपर जो हमारे प्री मेच्योर जो ग्रे हेयर आते हैं उनको कंट्रोल में लेती है. इवन दो ग्रे हेयर को आने से ही बहुत कम्प्लीटली रोक देती है. सो जिंजर में ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जिंजर का हेयर ऑयल एंड शैम्पू का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड किस तरीके से अगर आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है आपकी डाइट के अंदर तो आप अपने ग्रे हेयर को बहुत कम एज में आने से कैसे रोक सकते हैं. सो ये बेसिकली न्यूड का जिंजर का हेयर ऑयल है. ये आता है 150 ml और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके हेयर को, आपके स्कैल्प को ड्राई होने से बचाते हैं, प्री मेच्योर हेयर को रिमूव करते हैं. और इसमें ये आपको 150 ml मिलता है. ये बहुत ही अच्छी प्लास्टिक बॉटल के अंदर आता है, राउंड कैप के अंदर आता है. सो आपको इसको पाम में लेना है. 15 to 20 मिनट एटलीस्ट फिंगर की हेल्प से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे यूज़ करना है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा एंड आपको एक रिलीफ मिलेगा. 1 to 2 आवर के बाद जैसे भी आप अपना हेड वॉश करते हो, जैसे आपको लगता है कि आप नाइट में लगाते हो, मॉर्निंग में धोते हो या फिर 1-2 आवर के बाद धोते हो, तो उसके बाद आपको यूज़ करना है ये जिंजर का ही शैम्पू. ये बहुत अच्छा शैम्पू है. इंग्रेडिएंट का आप जो हेयर ऑयल यूज़ करते हो उसी का अगर आप शैम्पू यूज़ करो तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे. ये आता है 300 ml का और ये दोनों ही बॉटल आपके आराम से 2 से 3 महीने ईजिली चल जाएगी अगर आपके मेरे जितने हेयर ऑयल है, अगर आपके मेरे जितने हेयर है तो लाइक इतनी ही लेंथ है तो इसकी. तो 1 to 2 पंप के अंदर आपका शैम्पू का काम हो जाएगा. इसमें बहुत अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे कि जिंजर तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है ही जो आपके हेयर को बहुत अच्छे तरीके से नरिश करेगा, आपके स्कैल्प को नरिश करेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोकेगा और प्री मेच्योर जो ग्रे हेयर है उनको प्रिवेंट करेगा. सो इन दोनों प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बेसिकली न्यूड के प्रोडक्ट है और न्यूड की वेबसाइट पर आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे. वहाँ पर डिस्काउंट तो चलते ही रहते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, दिए गए लिंक पे जाइए और वहाँ से परचेस कर सकते हो. बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा. सो अब आपको एक शैम्पू का डेमो भी दिखा देती हूँ कि आपको शैम्पू किस तरीके से यूज़ करना है. यूज़ करने के बाद आपको एक हेयर के अंदर स्मूथनेस एंड लाइट वेट और सिल्की काइंड ऑफ आपको आपकी हेयर जो है बहुत लाइट वेट, सिल्की एंड स्मूथ लगेंगी. यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये ऑयल लिया है, इसको पाम में लिया है और आपको 2 से 3 पंप की ज़रूरत होगी अगर आपके हेयर मेरे जितने लेंथ के हैं तो इसकी फ्रेगरेंस एकदम फ्रेश फ्रेगरेंस आती है जैसे कि जिंजर की आती है, वैसी एकदम नेचुरल फ्रेगरेंस आती है. तो आपको इस टाइप से अपने फिंगर के पॉइंटर्स पे इस ऑयल को लेते हुए आपको रूट में मसाज करना है, बैक साइड में, फ्रंट में, सब जगह आपको अच्छे से मसाज करना है. और जितने अच्छे से आप सर्कुलर मोशन में 15 to 20 मिनट आप मसाज करोगे उतना ही आपको रिलैक्स मिलेगा. सो ये हेयर ऑयल बहुत ही अच्छा है, प्री मेच्योर हेयर को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए। उसके बाद आपको शैम्पू लेना है। अगेन आपको अपने वेट हेयर में इस शैम्पू को इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते हुए हेयर वॉश करना है। सो इससे भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा एंड आपको आपके हेयर में एक अच्छी सी शाइन आएगी और प्रीमेच्योर हेयर को कम्प्लीटली रिमूव करने में हेल्प करेगा। सो वॉश करने के बाद आप देख सकते हो मेरे हेयर नेचुरल सिल्की है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको डेमो भी शेयर कर दिया है मैंने। सो होपफुली वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।